हेलो एंड नमस्कार एवरीबडी एवरीबडी हुन टू दिस स्पेशल एडिशन ऑफ तत्वा टॉक्स पावर्ड बाय हॉट स्टफ एट वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2020 द एफएफएफ कॉन्फ्रेंस मैं हूं आलोक वोरा आपका वन इडियट आपका शुभचिंतक एंड इट्स सच एन ऑस्ट्रेलजिक मोमेंट फॉर मी टू बी बैक इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन ड्यूरिंग दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स दोस्तों हम एक बहुत ही अनयूजल दौर से गुजर रहे हैं और इस दौर में इस जर्नी में हमें साथ साथ रहना है और साथ में नया समाधान भी निकालने वो कहते हैं ना कि जहां एक दरवाजा बंद होता है वहां दस और नए खुल जाते हैं हमें बस उन दरवाजों को आइडेंटिफाई करना है हमारे आसपास होने वाले चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है बिकॉज आफ्टर ऑल चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड टू स्पीक टू अस मोर अबाउट इट टूडे वी हैव विथ अस समन वी हैव सीन ऑन द बिग स्क्रीन एज रमन भाई विठल कानिया एंड मेनी अदर नेम्स But today he's not here to speak about his movies or acting, but something friends that would empower all of us to sail through these unprecedented times. This personality is a national award winning actor who has worked across eleven languages in more than two hundred plus films. And apart from being an actor, he's a prolific speaker, motivational interventionist, life igniter he has impacted more than 200 organizations through his talks and workshops and is the co-founder of ashish vidyarthi and associates friends change is a part of life you and i are the change agents of our life and so are you ready to make an impact to your life wherever you are sitting or standing right now please put your hands together and clap and create some more energy as we look forward to the players conversation i welcome on this virtual stage mr ashish vidyarthi namaskar bandhu namaskar kya aap mujhe dekh pa rahe hain hmm dekhiye spectators की जो भीड़ होती है उसमें किसी को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन लोग पहचान में आते हैं जब वो स्पेक्टेटर नहीं खिलाड़ी होते हैं आज ये जो मैं कॉन्वर्सेशन आपसे करने जा रहा हूं वो है प्लेयर्स गेम और इसलिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नमस्कार साथियों आर वी रेडी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन आर वी रेडी आर वी रेडी यस और यस all right so what i would want to hear from you is through your messages saying yes i am ready all right yes i am ready i want to hear that i want to see that got it yes i am ready i want the names i want yes got it yes i am ready those if you notice we have immediately gotten into into the conversation right because this is life and this excites me all right एक्साइट्स मी क्योंकि ये जिंदगी है और आप और मैं जिंदा है, yes yes. है कि नहीं फैंटेडी फॉर द्लेयर्सेशन राइट तो सबसे पहले सबसे पहले मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दू ये कॉन्वर्सेशन मेरे बारे में नहीं है मेरे बारे में नहीं है यह कॉन्वर्सेशन है आपके बारे में कहिए मेरे बारे में किस किसके बारे में बोलिए मेरे बारे में कॉन दिस इज माई game. Just write in the message, my game. Got it. This is my game. And I want you to pull it towards you. I want you to pull conversation towards you that is where the value will be. This is my game. Please write, this is my game. Got it. Super duper. Fantastic. So let's ready. Let's get ready and let's roll with my game. So this is a personal conversation. This conversation is about hai. तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसको अपने संदर्भ में सुनिएगा हाउ इज इट गोइ टू इम्पैक्ट मी ऑल्साइड सो आई यू रेडी फॉर दैट फैंटेस्टिंग सो लेट्स गेट दिस जो जिंदगी है ये जो अमेजिंग आलोक ने अभी बताई ना बात कि हम कुछ दरवाजे खोलना चाहते हैं जी हां जी हां वेन थिंग्स हैपन अराउंड दस वी से अरे नथिंग इज पॉसिबल रिमेंबर दैट इज एन ऑपरचुनिटी फॉर यू टू ओपन डोर्स एंड टूडे वी आर गोइंग टू बिगेन बाई ओपनिंग दिस डोर कौन सा दरवाजा खोलेंगे अपने दिमाग का दरवाजा खोलेंगे मदद चाहिए मुझे दोस्त मुझे आपकी मदद चाहिए आई नीड योर हेल्प सो दैट यू कैन ओपन योर डोर्स आर यू रेडी फॉर दैट फैंटेस्टिक बिकॉज दैट्स आई हैव लर्न इन लाइफ डियर फ्रेंड्स मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी आशीष स्टूडेंट पूरी जिंदगी मैं स्टूडेंट रहा हूं आई एव बीन स्टूडेंट ऑल माई लाइफ एंड दैट समथिंग विच आई वैल्यू स्टूडेंट होता है वो अपने दिमाग के दरवाजे हमेशा खोल के रखता है क्योंकि पता नहीं कहां से क्या उसे मिल जाए तो क्या आप तैयार हैं जिंदगी में कुछ आने देता हूं तो मेरी जिंदगी में कुछ एडिशन होती है नहीं तो मैं बंद रहता हूं अरे बड़ी प्रॉब्लम है यार कुछ नहीं हो सकता क्या होगा व्हाट कैन आई डू आई कॉन्ट डू एनीथिंग लुक व्हाट्स है to kind of energize myself, i keep my doors open. ando. Do, do. let new thoughts come to me because i need to be ignited. Ignite hota hoon, tab ja kamal ka kaam karta isn't that what you want to do, dear friend? super duper fantastic. do you want to go and really light up your life? yes or yes? yes or yes? i got it. रिमेंबर वन थिंग आई वॉन्ट बिगेन विथ वन थिंग माई फ्रेंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू फोर योर सेल्फ नो बी एल्स इज गो डू इट सपने देखते हैं सपने देखना पसंद करते हैं बहुत में हम ऐसे हैं जो कहते हैं अरे यार छोड़ यार क्या सपने अभी जिंदगी में बड़े ये कैसे काटेंगे दोस्त ये जर्नी है अगर आप सपने नहीं देखोगे तो एक के बाद एक दिन काटते रहोगे सबसे पहले शुरुआत करता हूं डी अर लर्न टू ड्रीम because your dream is going to be that power, which is going to take you ahead. Remember, because you are just handling this. How do I handle this day? How do I handle this client? That's all it's going to be. But when you dream, then you have a vision and that's what powers you. And that's what I'm inviting you to rule. Number one, open your, open your brains to dream. सपने देखो और एक लिस्ट बनाओ आज इस स्टॉक के बाद व्हाट इज योर ड्रीम आई वांट यू टू पुट इट डाउन दियर फ्रेंड्स डोंट बी शाय क्योंकि एक जिंदगी है दोस्त एक ही जिंदगी है और उस एक जिंदगी में सपना देखना आपका हक है और उसे पूरा करने का तरीका ढूंढना भी आपकी जिम्मेदारी है आई यू रेडी टू प्ले दैट गेम क्योंकि प्लेयर्स गेम ये देखिए जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं एक होता है जो प्लेयर होता है जो खेलता है देख रहे हैं पीछे मैदान इस मैदान में जो खेलता है वो होता है प्लेयर और दूसरे होते हैं स्पेक्टेटर जो चारों तरफ बैठे रहते हैं और वो लोग दूसरों को बताते हैं अरे ऐसा करना चाहिए अरे यार वाई डिड यू डू दैट यू शुड है धोनी अरे यार विराट यू शुड हैव डन दैट दे कीप टॉकिंग अबाउट अदर्स दूसरों की बात करते रहते हैं स्पेक्टेटर के नाम आपको याद नहीं प्लेयर्स के नाम आपको याद है चूज करिए प्लेयर बनना चाहते हैं या स्पेक्टेटर खिलाड़ी होना चाहते हैं या प्योर अरे वाह, अरे यार क्या किया क्या नहीं किया जिंदगी में एक्साइटमेंट चाहिए तो प्लेयर होइए। दिस इज वाई दिस वन इज कॉल्ड द प्लेयर्स गेम क्योंकि जिंदगी दोस्तों इज अ प्लेयर्स गेम जिंदगी में आप किसी और को डिस्कस कर सकते हैं लेकिन आप अपनी जिंदगी को इंपैक्ट नहीं करेंगे इसलिए आज की जो आज का पूरा कॉन्वर्सेशन इज अबाउट यू यू सो दिस इज अ पर्सनल आई टू मेक अ डिफरेंस टू योर ओन लाइफ अपने लाइफ में आप डिफरेंस करेंगे बिजनेस में भी फर्क आएगा सबसे दूसरी चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सबसे पहले दिमाग खोलिए सीखने के लिए तैयार रहिए है न सिर्फ आज हर रोज नंबर टू एम welcoming you to add. Life is only about addition. Life में आप क्या add करते हैं उसी से आपकी जिंदगी बनती है subtraction से नहीं अब मैं आपको example देता हूं आप में से कोई financial advisor है क्या Financial advisor है कोई यहां पर सभी financial advisor है ना दस राइट में चेक रहा था भाई कि मैं करेक्ट इवेंट पर आया हूँ नहीं इतने सारे इवेंट होते हैं ना सब लोग ऑनलाइन पता नहीं किसी गलत इवेंट में तो नहीं घुस गया वेरी 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 गुड 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 फाइनेंशियल एडवाइजर्स लेट मी फर्स्ट आस्क यू आप जानते हैं जिम्मेदारी क्या है आपकी जिम्मेदारी क्या है अगर आपको लगता है सचमुच अगर आपको लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि यार किसी तरीके से ये प्रोडक्ट चेप दूं और आगे बढूं तो आप प्रोडक्ट तो चेप देंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे

230 से ज्यादा फिल्में कर चुका हूं 11 भाषाओं में ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कंट्री मूव डिफरेंट ओवरेंट मूव ऑल ओवर द वर्ल्ड सीन डिफरेंट सॉर्ट्स किस तरह से लोग काम करते हैं एक चीज कॉमन है दोस्त किसी भी जगह पर लोगों को पसंद नहीं अगर कोई आपको वो चीज दे जो मैं देना चाहता हूं अरे लो भाई मेरे पास ये ये मैं रोल इस तरह से करूंगा दे डोंट डोट इट यू नो इच वॉट इच डायरेक्टर वॉन्ट्स इच डायरेक्टर वॉन्ट्स एन एक्टर टू कम एंड से हाउ वुड यू वॉन्ट दिस रोल डन आप कैसा चाहते हैं इस रोल को करूं मैं? जी हां इट इज नॉट जस्ट ये एक एक फॉर्मूला नहीं ये वे ऑफ बीइंग है जब आप अपने हुनर के बारे में कॉन्फिडेंट रहेंगे तब आप सुन पाएंगे कि उनको क्या चाहिए और उनके हिसाब से आप कुछ ऑफर कर पाएंगे आर यू गेटिंग अ सेंस व्हाट आई एम शेयरिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो ग्रोथ है इट टू बी बियॉन्ड कि मुझे सिर्फ ये चीज देनी है इस प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के अलावा आपका ग्रोथ होना चाहिए एंटायर वर्ल्ड माय फ्रेंड जो प्लेयर होता है वो सिर्फ ऑफ स्पिन और फास्ट बॉल ही नहीं खेलना जानता वो अपनी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानता है मेंटल गेम भी जानता है ही इज अवेयर ऑफ व्हाट ऑल द वर्ल्ड वॉन्ट सो देयरफॉर द प्लेयर इज जस्ट गुड एट प्लेइंग दैट गेम Is aware of what's happening around. I'm talking to financial advisors, not sellers. Dear friend, this world doesn't like sellers, but it loves people who can make a difference. I'm inviting you, me up, is mein it's truly somebody. Who's making मेकिंग अ डिफरेंस टू योर लाइफ मैं आपको एक पर्सनल कहानी बताता हूँ सालों पहले जब आ, मेरी शादी हुई और ये 20 साल से ज्यादा पहले की बात है और आ, हमारा बेटा जब हुआ तब एक, एक, एक बैंक के हेड मेरे पास आए हमारे घर आए श्री शैलेंद्र जैन और पहली बार किसी ने मुझे बताया कि किस तरह से मैं आ, अपने फाइनेंस को

बीस इक्कीस साल पहले की बात है और आज भी मेरे पास जो सब भी है मैं आपको बता सकता हूं कि उसका बहुत बड़ा श्रेय शैलेंद्र जैन साहब को है क्योंकि वो जब आए थे मेरे पास वो ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट्स अपने ऑफर करना चाहते थे लेकिन जो मुझे मिले थे वो मिले थे कोई ऐसे सज्जन जो मेरी बात सुन रहे थे ही वॉज लिस्निंग टू बी What I got very importantly, और उसके बाद उनका मैंने ग्रोथ देखा किस तरीके से वो ग्रो किया और वो बहुत बुलंदी पर पहुंचे हैं कि पता है मैं शायद लोगों को जाके बताता हूं कि मैं ये कर दूंगा मैं ये कर दूंगा मैं ये कर दूंगा उससे शायद मजा नहीं आता जितना अगर मैं उनसे पूछू क्या बताइए कि आपके इस प्रोजेक्ट के लिए क्या आप चाहेंगे जो मैं ला सकता हूं जिंदगी प्रोजेक्ट है दोस्त हम सब के लिए इट्स अ यूनिक प्रोजेक्ट फॉर ईच वन ऑफ अस यू आर अ पर्सन हु प्लेज अ रोल इन मेकिंग दैट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल आप लोगों की जिंदगी के उस प्रोजेक्ट को आप सक्सेस देते हैं सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव इन दिस नाउ कंसिडर फॉर अ मोमेंट डियर फ्रेंड्स हाउ डज दैट हैपन इट हैपन्स टू अस पावरफुल थिंग कॉल्ड लिस्निंग ये खासियत है सुनने की क्या मैं सुन पाता हूं उन सब चीजों को भी जो शायद वो बता नहीं पा रहे वो उन सब चीजों को क्या मैं सुन पा रहा हूं जो वो आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे लेकिन क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं तो मैं उन चीजों को ऐड करता हूं मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं या अमूमन खासकर हम जब ऐसे कई डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं जो नए हैं जिन्होंने जिनकी शायद पहली या दूसरी फिल्म है जब वो कुछ एक बात बताते हैं तो मैं सुन पाता हूं और मैं कहता हूं कि वंडरफुल मुझे बहुत अच्छा लगा आप जो आपने बताया क्या मैं इन चीज को इस तरह से कुछ ऐड कर सकता हूं एक लेयर ऐड कर सकता हूं एक एक खास चीज ऐड कर सकता हूं और उसके बाद वो रोल जो बनता है खास बन जाता है ना फायदा उस डायरेक्टर का होता है और फायदा मेरा भी होता है क्योंकि मैं डेफिनेटली एक प्रोफेशनल एक्टर हूं मेरा नाम होता है जब आप कहते हैं अरे विठल गाने क्या रोल किया लेकिन उस रोल का जो एडिशन है उसने उस फिल्म को एड किया मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को सी योर सेल्फ एज पार्ट ऑफ अ लार्जर टीम अ लार्जर टीम इन विच योर क्लाइंट इज वन प्राइम मेंबर क्योंकि जिंदगी जैसे मैंने कहा इज अबाउट एडिशन कंसिडर फॉर मोमेंट माई फ्रेंड्स हम लोग कई बार होता है ना कि आप आप किसी के पास गए और उसने कहा कि आ, अरे मेरे पास प्रोडक्ट हैं तो आप बैठ जाएंगे नहीं नहीं ये प्रोडक्ट खराब है वो प्रोडक्ट खराब है लोग तंग आ जाते हैं उससे आप किसी की बुराई करते हैं ना कहते हैं अच्छा बेटा जो सब मैंने किया सब गलत है तुम ही आए हो बहुत सही बताने वाले ये थोड़ी देर के लिए ये सक्सेस कर देगा आपको दे देगा बट यू नो वट रियली मूव्स पीपल मैं आपको बताता हूं लोगों को मूव करता है ये नहीं कि उनको बताओ कि भाई तुमने इसने आपको गलत चीज बेची ये आप ये गलत चीज था वो सब बुराई वो थोड़ी देर तक रहेगा लेकिन अमेजिंग होता है जब आप उनको एक नया रुख दे पाओ उनको एक नई पॉसिबिलिटी क्रिएट कर पाओ तो वो कैसे होगा तो आज सुबह ही हमारा एक शो है जिसका नाम है लिविंग uh, फॉरवर्ड उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑफ डी और उन्होंने एक थे शांतनु uh, साहब आए थे और उन्होंने एक गजब की चीज उन्होंने बताई उन्होंने कहा कि सालों पहले वो जब एक, एक, एक काफी जूनियर थे तब वो एक रिलेशनशिप मैनेजर थे और तब वो कहते थे कि तब तो इतने टेक्नोलॉजी नहीं था तब हम लोग सुनते थे और हमें बताया जाता था कि आप सुनो सुन करके प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो कि ये जो क्लाइंट है इसको और क्या चाहिए मैंने और अब वो एक ऐसे बैंक को हेड करते हैं डी जिसमें हर चीज टेक्नोलॉजी पर है मतलब इट इज नियरली इनविजिबल बैंक जिसमें आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है तो अब वो लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो मैंने पूछा तो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है तो उन्होंने एक बड़ी खास चीज बताई उन्होंने कहा कि हम क्लाइंट्स को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है दोस्तों मेरे लिए एक बड़ी अमेजिंग चीज़ सामने आती है जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं आप और मैं हम लोग हो सकते हैं एक एनालॉग वर्ल्ड से आए हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर डिजिटल कोई चीज़ हमें बड़ी दूर की लगती है अपना ये दोस्त मैं आपको बताऊं ये जब लॉकडाउन हुआ फिफ्थ मार्च को जब ये लॉकडाउन हुआ तो हमारा धंधा आठ मार्च तक सब कुछ बंद हो गया था मैं जो टेन टॉक्स आई यू शू डू टेन टॉक्स कैंसल्ड माई शूटिंग्स कैंसल्ड वॉट डू वी डू अरे भाई क्योंकि हम काम करते थे जाकर अब बाहर जाना तो एकदम पुरानी चीज हो गई तो हम क्या करें हम लोगों ने चार पांच दिन हम सोचते रहे हमारी टीम एवेड मैनर के हम सोचते रहे भाई क्या करें क्या करें फिर हम लोगों ने ठान ली कि ये अगर हम इससे सिर्फ अपसेट होते रहेंगे कि अरे यार क्या हो गया क्या हो गया उससे कुछ होगा नहीं वी विल हैव टू गेट टू बी द डिजिटल वर्शन ऑफ आर सेल्व हम बहुत छोटी कंपनी है दोस्त बहुत छोटे हम लोग पांच लोग हैं सात लोग हैं ऐसे ही हम लोग मिल साथ काम करते हैं वी डोंट इवन हैव एन ऑफिस

भूख है यह भूख बहुत जरूरी चीज होती है आपके अंदर भूख है क्या क्योंकि बिना भूख के कुछ नहीं होता है भूख हंग हंग इज समथिंग विच ड्राइव्स अस हंग इज समथिंग विच आस्क यू टू ओपन डोर्स एंड डिस्कवर न्यू वेज ऑफ डूइंग इट आई एम इनवाइटिंग यू डियर फ्रेंड्स अपने भूख को वापस जगाइए देखिए भूख और कंप्लेन में फर्क होता है डिफरेंस एक है कि भूख और एक है कंप्लेन यार हो नहीं रहा यार कुछ हो नहीं रहा बड़ी प्रॉब्लम है कैसे कर रहे हैं भाई कंप्लेन कोई नहीं सुनना चाहता हम तो में से कुछ लोग हैं ना जो कंप्लेन करते हैं मैं तो करता हूं आई लव टू कंप्लेन और उसके बाद मुझे एक अमेजिंग चीज पता चली दुनिया कंप्लेन ही नहीं सुनती यार अरे दुनिया के अपने घर वाले ही नहीं सुनते कंप्लेन तो दुनिया क्या सुनेगी अरे छोड़ यार घर वालों की छोड़ मैं खुद ही अपने कंप्लेन से बोर हो जाता हूं तो जब मैंने यह पाया कि जब मैं खुद अपने कंप्लेन से बोर हो जाता हूं वट इज द पॉइंट ऑफ कंप्लेनिंग दिस इज एक्चुअली एन एक मौका है आपके लिए मेरे लिए कि हम लोग अपने आप को एक्सपैंड कर सकें एंड देयर दिस इज द प्लेयर्स गेम इस प्लेयर को मैं आपको बता दूं दिस प्लेयर वांटेड टू डू मेनी थिंग्स टूगेदर मैनी थिंग बट गेस वॉट मैं कितनी जगह पर जा पाऊंगा इस डिजिटल फोर्सिंग की वजह से मैं जा पा रहा हूं आज ये मेरा तीसरा इवेंट हैिटी टू डू थिंग्स इस, इस पूरे दौरान मैं सीखा कि मैं टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ तो यहां पर और कोई नहीं है दोस्त मैं ही हूं और, और ये जो फिनोमनल टीम है तत्व की जो वहां से मैनेज कर रही है हॉट स्टाफ की टीम है जो मैनेज कर रही है लेकिन मुझे यहां पर चीजें खुद मैनेज करनी पड़ी कैसे करूं सीखना पड़ेगा दोस्त मैं आपको इन्वाइट करता हूं अपने पुराने तरीकों को छोड़िए और नए तरीके सीखिए यह सिर्फ आपको एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं आपको एज एन ऑन्ट्रप्रनर आपको एज अ ह्यूमन बीइंग आपको एज अ लीडर अराउंड यू आपको हेल्प करेगा आई प्रॉमिस यू दिस and that's what you know that's what i find very interesting about life because advising advising works when people say are yaar tum bhi kuch khas kar rahe ho now imagine if your client see that you know what ye banda tech use kar raha hai they will have confidence in you now main jo aapko keh raha hu i am opening different windows अलग अलग windows को खोलिए साहब क्योंकि इन सब windows से आपको कुछ सीखना पड़ेगा यू आर वेरी लकी कि ये तत्व टॉक्स आपके लिए हो रहे हैं यू हैव बीन हियरिंग सम अमेजिंग एक्सपर्ट स्पीक टू यू अब उन टॉक्स को सिर्फ टॉक्स मत रहने दीजिए लिस्ट आउट योर एक्शंस प्लेयर्स यू हैव टू लिस्ट आउट योर एक्शंस। हर टॉक हर चीज जो आप सीखते हैं आप अपनी तरफ दीजिए ये नहीं कि अच्छा टॉक था नहीं इस अच्छे टॉक से मैंने ये चुना है कि मैं करूंगा आई एम चूजिंग दीज एक्शन फॉर माई सेल्फ दैट इज द नेम ऑफ द गेम डियर फ्रेंड बिकॉज दिस इज प्लेयर्स गेम गेम ऑफ अ कोच कम कोचिंग था तूने क्या लिया भाई वॉट हैव यू टेकन फॉर योर सेल्फ रिमेंबर वन थिंग एडवाइजिंग योर वर्क इज क्रिएटिंग फ्यूचर्स इट हैज बिगिन विद यू क्रिएटिंग योर ओन फ्यूचर शुरुआत होगी कि आप जब अपने भविष्य को बनाए सीखने के भविष्य को ग्रोथ के भविष्य को क्योंकि आप उसी भविष्य के साथ अपने क्लाइंट तक पहुंच पाए

Zoom मिल लेते हैं फोन पे मिल लेते हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेते हैं सोट गेट इमेजिनेटिव गेट क्रिएटिव नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज दैट एज यू लर्न शेयर योर लर्निंग्स हम लोग कई बार सोचते हैं नहीं, ये जो मैंने सीखा है मैं किसी और को बताऊंगा नहीं दोस्त आप जब अपने ही लोगों के साथ शेयर करोगे यू you नो know, इसको मैं, मैं आपको एक, एक प्रोसेस बताता हूं जिसको मैं भी इस्तेमाल करता हूं इसको हम लोग कहते हैं मास्टर माइंड ग्रुप्स आप पांच छह लोग मास्टरमाइंड ग्रुप्स बनाइए डिस्कस करिए पता है मैं इस तरह से खेल रहा हूं एंड चूज पीपल फ्रॉम अक्रॉस रीजन सो दैट आपके रीजन में कोई ना हो एंड बिलीव मी आप अपने को पॉलिनेट करिए थॉट से अलग अलग बिजनेस से कुछ सीखिए बी अवेयर ऑफ द ट्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप जब अपने क्लाइंट से बात करते हैं सिर्फ उनको यही नहीं कि एक प्रोडक्ट बेच रहा है उनको आप अवेयर कराइए यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड यू नो ये ये कब आने वाला है वैक्सीनेशन कब आने वाला है उस वैक्सीनेशन के आने के बाद भी कितना टाइम लगेगा उसको स्प्रेड आई डोंट नो यू नो ऑल थिंग्स यू मस्ट बी अवेयर ऑफ और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ न्यूज पढ़ के उनको बोल दें आप भी स्टडी करें रिमेंबर शायद कोई क्लाइंट अपने बच्चे को विदेश पढ़ाना चाहता है शायद किसी क्लाइंट के यू नो फैमिली में कोई uh, उम, उम्र दराज है आप यू हैव टू गो इन गेट एंड अंडरस्टैंड वॉट इज दैट फिनल बंडल यू कैन ऑफर एम फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस आपको है जब वो प्लेयर कोई अच्छा खेलता है तो लोग लाइफ ऐसा ही है आप कस्टमर को कमाल के एक्सपीरियंस देंगे वो कहेंगे वाह बुरा एक्सपीरियंस देंगे वो कहेंगे जाओ और ग सो यू एंड आई वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड है ना आप और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड है और मैं तो उनतीस साल हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड और मैं ट्रैवल करता हूँ अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर्स uh, में मैंने काम किया है वॉट हैव डिस्कवर्ड इज दैट दैर द ब्यूटी ऑफ वर्किंग हार्ड। यू नो प्रेज है कई लोग कहते हैं अरे यार क्या इतना काम करना पड़ता है मैंने कहा भाई जिंदा हूं मैं और मैं कुछ कर सकता हूँ तो इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट रिमेंबर आप कुछ चीज निकालिए मत अपनी जिंदगी में जिंदगी में कुछ जो घाटे हुए हैं जो ये बुरा टाइम चल रहा है इसको निकालो मत इसको जोड़ दो क्योंकि ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसको धक्का मत दो अरे यार करोना आया बोलो हां कोरोना आया है और मैं इसमें ये कर रहा हूं तो अपने लाइफ में एडिशन करिए रिमेंबर इट इज लाइफ इज लाइक दैट अगर एक चीज में नमक गिर गई ना इस खाने में नमक ज्यादा गिर गया ट्राई करिए निकालने में नहीं निकाल पाएंगे लेकिन कुछ आप अगर आप समझदार हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज ऐड कर पाएंगे ताकि वो स्वाद और भी कमाल हो पाए संबडी जो सिर्फ मुझे ये नहीं बताता कि पिछले तुमने गलतियां की हैं वो कुछ ऐसे अमेजिंग सुझाव देता है जिससे मेरा फ्यूचर उस गलती के ऊपर डिपेंडेंट ना हो लेकिन इस फाइनेंशियल एडवाइजर के एक्यूमेन पर डिपेंडेंट हो इसलिए एक तरह से देखिए तो आई एम अ लीडरशिप कॉन्वर्सेशन विद यू म आस्किंग यू टू टेक लीडरशिप इन योर फील्ड बिकॉज डियर फ्रेंड दिस वर्ल्ड राइट नाउ हैज बिकम लेवल सब इतने हिल चुके हैं ना बड़े बड़े लोग नीचे आ गए हैं दिस इज योर मोमेंट याद है कि आप चाहते थे कभी कि यार मैं कुछ कमाल करूं लेकिन मौका नहीं मिला था शायद अब यह मौका है मे बी दिस इज द मोमेंट फॉर यू टू शाइन bring your extraordinary excellence at this point, because people are looking. लोगों के पास होप नहीं है लोगों को पता नहीं है क्या करना है अगर आप डीप स्टडी करें आप प्रिडिक्टेबिलिटी पर काम करें उन लोगों को कुछ ऐसा दें जिसमें बोलो yaar यार yaar because your life is going to be longer than this virus. आपकी और मेरी जिंदगी होपफुली इस वायरस से लंबी है हमारा प्रोफेशन इस वायरस से लंबा है तो उस आगे का आगे का सोचो और अब वो मेहनत करो जी हाँ प्लेयर के लिए जरूरी है जरा सा और जो बाकी लोग दोपहर के वक्त बंबई में जब मैं आया था हम लोग काम ढूंढने निकलते थे जो यहां के मेरे दोस्त थे वो दोपहर के वक्त घर जाते थे घर था घर जाकर खाना खाते थे मेरा घर नहीं था मैं दोपहर में भी काम ढूंढता था और देर शाम तक घूमता रहता था जरा सा और करता था आज भी जरा सा और करता हूं जरा सा और अपना बेस्ट देने के बाद जरा सा और देता हूं पता है क्या होता है उसके बाद आई गेट हैपीली टायर्ड मैं मैं टायर्ड होता हूं लेकिन मैं खुशी से टायर्ड होता हूँ क्योंकि मैंने भरसक किया उस काम में प्रमिस यू वन थिंग मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो आप हो जो इस फिल्म को देखते हैं चाहे आप हो जो इस वक्त शायद हमारे स्टॉक को एक्सपीरियंस कर रहे हैं मुझे ओके okay. मजा नहीं आता मैं ऐसा काम करता हूं ताकि लोग कह सकें वाह मजा आ गया एंड दैट इज अ पैशन माय फ्रेंड यू नो यू लेट योरसेल्फ नो दैट आई रिस्पेक्ट माय लाइफ ये जो दिन है ये जो घंटा है ये जो पंद्रह मिनट है ये जो एक मिनट है ये मेरी जिंदगी का एक मिनट है इसको मैं वैल्यू करूंगा और मैं पता है इसको वैल्यू कैसे करता हूं मैं ऐसा कुछ काम करता हूं इस पांच मिनट में इस एक घंटे में इस एक दिन में इस एक महीने में कि लोग कहें वाह कैसा लगेगा दोस्त जब लोग आपको कह सकें वाह अच्छा लगेगा ना मैं आपको यकीन दिलाता हूं यह पूरी दुनिया आपके लिए अवेलेबल है इंपॉर्टेंट है कि आप इस मुहिम में जुट जाएं क्योंकि लाइफ पास को डिस्कशन करने के लिए नहीं है लाइफ इज वन ऑफ द प्लेयर जो बाउंसर भी हैंडल करेगा और जो उस यॉकर को भी खेलेगा वो इसके लिए वेट नहीं करेगा अच्छी पिच दो और स्लो बॉल दो फिर मैं जाके खेलूंगा वो जाकर खेलेगा आई प्रोमिस यू दोस्त कुछ लोग हंसेंगे आप पर Who cares? क्योंकि वही लोग जब आप जीतेंगे तो ताली बजाएंगे अपनी जीत के लिए खेलिए और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो जीत है ना वो तब होगी जब आपके क्लाइंट्स जीते ये बात मैं समझ चुका हूं और इसीलिए मैं कहता हूं द प्लेयर्स गेम इज अ गेम इन विच द प्लेयर रियलाइजेस दैट व्हेन दे विन आई विन जब वो जीतते हैं तभी मैं जीतता हूं और आखिर में एक बात ध्यान से सुनिएगा मोबाइल फोन यूज करते हैं स्मार्टफोन्स एप्स यूज करते हैं डू यूज एप्स ऑन द फोन्स डू यू अपडेट एप्स डू यू लाइक अपडेटेड एप्स डू यू लाइक फोन्स आर अपडेटेड अपडेट होगा ना हाँ यार लेटेस्ट अपडेट है आ. दुनिया भी वैसी है दोस्त पीपल लाइक अपडेटेड फोन्स अपडेटेड एप्स एंड अपडेटेड people updated professional i remain updated i am ready to learn each day just to let you know this would be one of my hundreds of conversations that i have done but i have worked on it i want to make the difference to you For that, I need to be updated, कि आपको क्या चाहिए सो दैट यू मेकेंस टू योर लाइफ एंड थ्रू यू टू मेकियस अगर आप जिस दिन आप जिंदा नहीं है तो उस दिन आप अपडेटेड नहीं रहेंगे जो कंपनियां बंद हो जाती है सुनिये ना आपने वैसी कुछ कंपनियां बंद हो गई नोकिया का फोन हम लोग सब इस्तेमाल करते थे याद है नोकिया लोगों के घर जाते अरे वो पतली पिन वाला चार्जर है वो पतली पिन वाला चार्जर नो किया बंद हो गई टेलीफोन कंपनी किसी एक एक अवतार में जी रहे हैं लेकिन टेलीफोन कंपनी बंद हो गई पता है क्यों उन्होंने अपने को अपडेटेड नहीं रखा एक और कंपनी जो कंप्यूटर बनाती थी लैपटॉप बनाती थी वो भाई साहब फोन बनाने लगी उन्हीं की वजह से आज कांच वाले फोन लेकर हम घूमते हैं आईफोन से ही तो शुरुआत हुआ अपडेट अपडेट रहना जरूरी है क्योंकि हमारी जो जिंदगी है ना दोस्त बड़ी लंबी है ये करियर जिस तरह से हम खेलते थे हम तो इस तरह से काम करते थे अरे आई बीन वेरी गुड एट दिस गॉन द क्वेश्चन इज आर यू अपडेटेड टुडे आर यू अपडेटेड टूडे रिमेंबर जो प्लेयर होता है उसको हर रोज हर रात हर शाम हर सुबह हर दोपहर जब दूसरे लोग नहीं खेल रहे होते तब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है नेम ऑफ द गेम एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर डर फ्रेंड दट दिस इज द प्रिवेज ऑफ लाइफ दट यू है जो आपके और मेरे लिए है क्योंकि हम में अब भी वो कुत है कि हम खेल सकें आप लोग जो यहां पर आए हैं यू हैव टेकन दैट स्टेप नो बडी इज आस्ट यू नो बडी इज फोर्ट यू टू बट यू हैव चोजन टू कम आपने जो इतने दिन टॉक सुने और जो आप सुनेंगे इट इज फॉर यू वॉन्ट टू बी अपडेट आई जस्ट वॉन्ट यू टू गेट दैट यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग अपडेटेड लेकिन उसका रुकिए मत सिर्फ ये टॉक्स अटेंड करने से कुछ नहीं होगा अप्लाई दैट ऑन योर लाइफ I mean, that's what we do at Avid Miner. हम लोग Avid Miner पर उसी चीज पर काम करते हैं कि लोग इन चीजों को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन कोई प्लेयर नहीं बनेगा वो डिस्कस कर सकता है जाते जाते एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे क्या आप जिंदगी कोविड इस पूरे सिचुएशन दूसरों को डिस्कस करना चाहते हैं या खुद ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि लोग आपको डिस्कस करें समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं तो दोस्त इस कॉन्वर्सेशन को हम यहीं पर छोड़ते हैं लेकिन एक वादे के साथ मैं जाऊंगा यहां से कि आप खुद से यह वादा करें कि आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेंगे क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और इस आपकी जिंदगी में आपके ड्रीम्स को आपके अलावा कोई पूरा नहीं करेगा मैं आपको एक, एक, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपने रमेश सैम्यूल का नाम सुना है रमेश सैम्यूअल नहीं सुना बह, बहुत बहुत अच्छा क्रिकेटर है वेरी वह, वेरी नाइस क्रिकेटर बहुत कमाल का क्रिकेटर है उसकी माँ से पूछिए आप बताएंगे कि बहुत कमाल के क्रिकेटर है हंस रहे हैं आप विराट कोहली का नाम सुना है हाँ ऐसे ऐसा कर रहे हैं बचपन से तो आप दोस्त है ना ऐसे हाँ विराट कोहली भाई साहब रमेश सैमल भी अच्छा क्रिकेटर है उनकी माँ को लगता है बहुत अच्छा क्रिकेटर है उनकी माँ को लगता है कि पूरी दुनिया की वजह से मेरा बेटा ना अच्छा आगे बढ़ नहीं पाया है डू यू केयर आप एक अच्छे इंसान हैं लेकिन क्या आप केयर करते हैं कि भाई तुम आगे नहीं बढ़ पाए तो मैं भाई मैं आपके लिए बड़ा अपसेट हूं ऐसा कुछ भी नहीं है ना दैट इज लाइफ माई फ्रेंड्स इसलिए लाइफ में ये मत वेट करिए कि अरे यार मुझे लोग मौका नहीं दे रहे अरे यार अगर मुझे चांस मिलता अगर मेरे माता पिता ने अच्छी पढ़ाई की होती अगर मेरा ये हुआ होता ना हम लोग सब किसी बहुतों को ब्लेम करते हैं प्लेयर जो होता है बहुत लकी होता है प्लेयर कहता है इसको कहते हैं वी वर्क ऑन आर गेम आई एम वर्किंग ऑन माई गेम मैं एक अभिनेता हूं मैं ऑल्सो आई एम ऑल्सोर स्पीकर मैं वर्कशॉप्स करता हूं कोचिंग करता हूं मैं लिखता हूं आई एम ऑल्सो और ये चहो दिशा से मैं अपने आप को लाइट अप करता हूं और इन्हीं सब चीजों को अपने काम में लाता हूं मैं कोशिश करता हूं कि मैं हमेशा प्लेयर रहूं ताकि मैं कंप्लेन नहीं कर सकूं। कंप्लेन की जगह मैंने बंद कर दिया दोस्त मैंने अपने लिए कंप्लेन की जगह एक्शन रखा है और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं इस एक्शन के गेम में जिसको हम कहते हैं द प्लेयर्स गेम ये जो पीछे ग्राउंड देख रहे हैं ये आपका ग्राउंड है ये मेरा ग्राउंड है जब हम इस ग्राउंड पे उतरेंगे कुछ लोग ताली बजाएंगे और कुछ लोग मजाक भी करेंगे कुछ लोग आपके गिरने का इंतज़ार करेंगे और कुछ लोग आपके जीतने से बहुत खुश होंगे कोशिश हमारी है दोस्त कि हम गिरेंगे वो तो है ही लेकिन फिर खड़े हो जाएंगे ये जो मैं आपको गेम में आमंत्रित कर रहा हूँ इस नए वर्ल्ड में इस नए वर्ल्ड में कहानियां बदल चुकी हैं दोस्त रूल्स बदल चुके हैं जिस चीजों को हम एक्सेप्ट और सोचते थे ऐसा ही होगा बदल चुका है इस नए गेम में नए खिलाड़ी खेलते हैं नए तरीके से नए तरीके से सीखते हैं अपने को और बड़ा बनाते हैं रिमेंबर यू हैव टू बी बिगर देन दिस मोमेंट इस मोमेंट से बड़ा आपको होना है अपने पिछले कल से बड़ा होना है यह है गेम यह है चुनौती खेलोगे खेलोगे सवाल का जवाब एक है हां या हां जी हां यही चॉइस है हमारे पास दोस्त एक जिंदगी है जिएंगे हां या हां इस जिंदगी के गेम में हम खेलेंगे हां या हां आलोक वंडरफुल वंडरफुल गैदरिंग Amazing, amazing, Ashish, like what a fabulous conversation and uh, I'm very confident that the friends friend Joby to and now the floor is open for Q&A friends and if anybody wants to ask Ashish any question, please come forward and I'm already receiving a couple of questions which I'm just kind of scrolling through. Okay. So here is a question. Ashish, Ashish ji, thank you, your mm -hmm. session was very motivating tha. in today's scenario. What is that one thing we should tell our clients who's also going through equal amount of stress like us? This question comes <clears throat> from Milan. Got it. Milind, got it. So Milind, understand one thing. इसके पहले भी क्राइसिस हुए हैं बीन क्राइसिस बिफोर दिस इट आर डिफरेंट नेम राइट नाउ इट इज कोविड ऐसा नहीं कि जनवरी में आप लोग सब नाच रहे थे अरे कमाल चल रहा है ऐसा नहीं था जनवरी के अपने इश्यूज 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 थे ना वी 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 हैड 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 इन इन जनवरी देन देन लास्ट जनवरी अपने अपने इश्यूज थे हमारे अब कोविड आ गया है लेकिन पहले और अब में फर्क यह आया है कि अब सबके दिल टूट गए पहले कोई एक मिलता था जो कहता था सब यार सब ठीक हो जाएगा यार हा लोग कोई मिलता था नहीं नहीं अब ठीक हो जाएगा अब सब <laughs> कह रहे हैं, नहीं भाई बहुत बुरा टाइम है सो so, बहुत अच्छा आपने पूछा कि जैसे हमारा दिल टूटा हुआ है क्लाइंट्स का भी दिल टूटा हुआ है और डर उसमें घर कर चुका है दर इज फियर सो लेट पीपल नो वन थिंग दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेट देम नो दैट वी विल हैंडल दिस टूगेदर ये जो पूरी दुनिया है ना द ह्यूमन बींग ह्यूमन रेस जो है वो ऐसे कई कठिनाइयों को पार कर चुकी है अपने पूरे अपने पूरे आ, जब से वो रहा है ना बहुत सारे ऐसे क्राइसिस आए हैं तो सबसे पहले लोगों को बोलिए कि इसका हल हमें अभी दिखे ना दिखे हम लोग इस जर्नी पे साथ चलने को तैयार हैं देखिए होप जब हम हार जाते हैं तब हम बैठ जाते हैं कुछ नहीं हो सकता और अगर बैठ गए तो सचमुच कुछ नहीं हो सकता है दोस्त तो आपको उनको यह बताना है कि इस 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 पल को बीतना तो है ही और यह भी तय करिए कि यह जो पूरा जन समूह है पूरा जो वर्ल्ड है इस समय भी सोच रहा है कि किस तरह इससे हम आगे बढ़ें तो दिमाग पूरे वर्ल्ड का, का काम कर रहा है इस दौरान So, there was no crisis in the world where the entire world was thinking about it. So, there is a huge amount of thing which is going for us. Remember, the government is giving us certain things. The world is kind of thing. See, the thing is that we have to be ready to walk through this period. Everything that you're speaking to your clients, tell them that.

अच्छा अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं अब मेटाफर से हट जाइए ठीक है मैं, मैं डायरेक्ट बात आपको कर रहा हूं मैं जो कोचिज कोचिंग में करता हूं मैं आप लोगों से डायरेक्ट कर रहा हूं मेटाफर से हट जाइए चौके छिक्के और एक रन की बात छोड़ दीजिए एक्चुअल चीजों के बारे में सोचिए जो आप सवाल पूछ रहे हैं जो आप बोल रहे हैं सिक्सन आप बोल रहे हैं कि क्या मैं ऐसा बड़ी चीज सोचू जो पहले मैं नहीं सोच पाता था गॉट इट उसको रखिए चौका ऐसी कोई चीज करूं जिसमें थोड़ी खुशी मिल रही है या एक रन क्या मैं सिर्फ सेफ खेलूं ओके okay? अब इन ती, तीन तीन चीजों को अपने सामने रखिए याद है मैंने इस, स्टॉक के दौरान कहा था कि इस इस पूरे दौरान ना सब कुछ हिल चुका है जो बड़े बड़े दिग्गज थे वो भी हिल गए अब जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनके बहुत सारे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे इसलिए बहुत जोर से हिले हैं इसलिए हम में से जो उतने बड़े नहीं है ना हम हम लोग थोड़े कम हिले हैं हिले बहुत हैं लेकिन कम हिले हैं अब सोचिए यहाँ पर सब लोग जो इतने बड़े थे जो हम लोग बहुत छोटे थे अब काफी लोग तकरीबन एक लेवल आसपास आ चुके हैं दोस्त दिस इज पीरियड फॉर यू टू हैव योर मून शॉट्स पता है बहुत सारी चीजें हम करना चाहते थे लेकिन हमने टाल दिया था क्योंकि चल रहा है यार अभी चलना यार अभी इसको ये भी ना ठीक खराब हो जाए भाई साहब रायता फैल चुका है द एपल कार्ट हैज बीन अपसेट Now you can choose to do the things that you wanted to but were not daring to do. This is really something which you will have to weigh for yourself. But I personally feel I am going and doing things which I wanted to but was not doing. that available Just to let you know, live your dreams. इस पूरे दौरान आप सिर्फ अकेले ही अपने ड्रीम्स को मत जिए, आप अपने क्लाइंट्स को बोलिए अपने साथियों को बोलिए लेट्स प्ले बिग माय फ्रेंड इंडिया हैज ए वेरी बिग रोल टू प्ले वी आर वेरी लकी हमारे पास <laughs> कितने सारे लोग हैं दोस्त आपके प्रोडक्ट्स के पास कितना बड़ा मार्केट है ना, थिंक बिग थिंक इनोवेटिव किस तरह से आप उन तक पहुंच सकते हैं आई वॉन्ट यू टू रियली एक्चुअली गो फॉर दैट सिक्सर थॉट एंड येट Have the ability to take the single. When you to do it, you will Okay, so play big, but be ready to take small steps for that. Amazing, thank you, Ashish. That was uh, really wonderful. My next question coming up here. It says, uh, Ashish, how do you personally manage being a consistent player despite so much going on? All right, that's a good one. So, so consider my friend that uh, all of us want to take the right decision, right? I want to take a right decision. That will be consistency. Impossible to take right decisions all the time. Impossible. <laughs> See, we have to take calls and then make them right. So, over a period of time, you will develop and you have. See, you have expertise. You have to the किसी को कोई ऐसी चीज मत दे दीजिए क्योंकि यार, यार देना आया तो दे दो यार फिर देखते हैं अगर आप वो चोरी से शुरू करेंगे आज नहीं तो कल वो पकड़ी जाएगी चोरी तो शुरुआत करिए कि मैं एक वेल थॉट ऑफ एक्शन थाशन मेरे दोस्त बी मुरली बहुत बड़े हेज फंड में काम करते रहे संभालते थे मैंने एक बार उनसे पूछा था कि मुरली आपको कैसा लगता है यू टेक अ कॉल इज यू नो इट नोटॉल्व मिलियंस ऑफ डॉलर पावरफुल जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो उन्होंने कहा कि हर कॉल को मैं आई थिंक इट थ्रू मैं रिसर्च के बाद वो करता हूं और और कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ करता हूं एंड आफ्टर दैट इफ समथिंग टू इट आई एम रेडी टू टेक करेक्टिव एक्शन तो खेल हम तभी सकते हैं जब हम चेंज करने के लिए तैयार हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही आंख बंद करके नहीं खेलना आंख खोलकर सोचकर समझकर चीजों को बारीकी में जाकर आप उसे खेलिए एंड देन बी कंटिन्यूसली इन टच विथ योर क्लाइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लेट द क्लाइंट्स एक्सपीरियंस की ये मेरे साथ है ये चला नहीं गया एंड बी अराउंड एंड होल्ड द हैंड ऑफ पीपल अलाउ देम टू सी कि हम लोग इसमें साथ हैं सी वो लोग भी देख रहे हैं कि ये टाइम बहुत उबड़ा हो तो किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं सही हो जाएगा नहीं आप उनको बोलिए कि सर इस ये पीरियड तो बीतेगा लेकिन इस पीरियड में हम लोग साथ इससे गुजरेंगे और ये सोचकर ये हमारी कुछ एक ऑफरिंग्स है सो थिंक इट विद देम एंड हैव क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है इस सब चीज में इसलिए ट्रूथफुल रहिए डीप सोच के उनको थॉट दीजिए एंड अलाउ कम्युनिकेट विद यू आर गोइंग टू ट्रेवल थ्रू दिस थैंक एंड आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट इवनिंग राइट नाउ and Please. i personally like this question there's like a player wakes up and exercises in the morning what do you suggest yeah. for our financial services players study padhai dher sari padhai dekhi main aapko batata hu sirf financial advisor ke liye nahi har ek ke liye मैं सुबह उठकर मैं बहुत जल्दी सुबह उठता हूँ पाँच बजे उठता हूँ बल्कि साढ़े चार ही उठ जाता हूँ और उसके बाद पढ़ाई शुरू करता हूँ पढ़ाई का मतलब सिर्फ मेरा सब्जेक्ट ही नहीं न जाने कितने सब्जेक्ट्स हैं वर्ल्ड में बी अवेयर वर्क जिसको मैं आपको आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं इसको मैं कहता हूं कि इसको मैं कहता हूं थर्टी 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 टेन ये मेरा एक फॉर्मूला एक है जिसके ऊपर मैं अपनी जिंदगी को जीता हूं और मैं आपसे भी शेयर करता हूं ये दरअसल हम अपने वर्कशॉप में इसके ऊपर काम करते हैं बट मैं आपको इसका झलक दे रहा हूं पहला जो टेन परसेंट ऑफ आपकी जिंदगी का टाइम है जो एक दिन के दिन में बांटिए उसको सपना देखिए सुबह उठकर सपना देखिए रात को सपना नहीं सुबह उठकर और अर्ली मॉर्निंग कमाल का वक्त होता है जब अंधेरा होता है जब आप अपने साथ होते हैं वो सब सोचिए जो आप करना चाहते हैं ड्रीम तो मैं एक्टिवली सपना देखता हूं उसके बाद थर्टी परसेंट जो टाइम होता है उसमें मैं आई एक्चुअली लुक एट स्टडिंग माई सब्जेक्ट यू नो वेयर वेयर आई काइंड ऑफ गो डीपर इन टू माई थिंक जिसमें मैं जिस जिस काम में जुड़ा हूं उसके ऊपर मैं काम करना शुरू करता हूँ नाउ थर्टी परसेंट ऑफ माई टाइम उसके बाद मैं जोर से काम करता हूं द एक्चुअल वर्क जिसके लिए मुझे लोग बुलाते हैं मैं उस काम में जुट जाता हूं दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि उसको मैं अमेजिंगली करूं एंड थर्टी परसेंट ऑफ द वर्क मैं कुछ ऐसा करता हूं अगेन जो मेरे काम का हिस्सा है ताकि मैं और लोगों तक अपने काम को पहुंचा पाऊं क्योंकि जब हमारा काम और लोगों तक पहुंचेगा तभी तो हमें और काम मिलेगा तो जैसे ही टेन परसेंट आप ड्रीम कर लेते हैं जब आप सोच पाते हैं कि मैं ये सब करना चाहता हूं देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ यू नो यू स्टार्ट वर्किंग योर सेल्फ क्योंकि आप जब बड़े होंगे आप जब विशाल बनेंगे आप जब आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी तब आप एक कमाल के प्रोफेशनल बनेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त कि आप अपने को ग्रो कर पाए सिर्फ अपने सब्जेक्ट को ही नहीं नॉट जस्ट योर सब्जेक्ट वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में जाने क्योंकि वर्ल्ड में जो चल रहा है ना वो आपके क्लाइंट का पेन पॉइंट है सो एज यू गो एंड अवेयर इंटरेस्टिंग से मिलता है तो उसको उससे बात करने में मजा आता है आधी चीज वहीं सॉल्व हो जाती है आपकी और राइट सो मेक योर सेल्फ इंटरेस्टिंग फॉर द क्लाइंट एंड फॉर योर सेल्फ थैंक यू थैंक यू आशीष एंड On that note, I would uh, like to once again like have a lot of thanks for you for coming down for this session today. And quickly I'm going to like summarize some of the things that I have personally learned in this session, starting from the fact that the point that you made, open your brains to dreams. And you ask the question, what is your dream? Aapka, aapka kya. Hai? Uh, mein do a player, e k spectator. आप कौन है आज डिसाइड करिए स्पेक्टेटर वो होता है जो बस खाली विराट कोहली और बाकी सब प्लेयर्स को देख के तालियां बजाता है और कहता है कि चलो ऐसे करो वैसे करो पर आप प्लेयर बनिए पॉइंट नंबर लाइफ इज ओनली अबाउट एडिशन एंड देर इज नथिंग विच कैन गो बैक एंड टेक अवे यू नो एनीथिंग सो दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी पूरी जिंदगी सीखने के लिए तैयार रहिए I think uh, I couldn't agree with you anymore. And anybody who has an open mind can do anything in today's scenario or any scenario. Or last but not the least, what I hear from you is a 30 30 30 10 rule, which is going to be part of your daily discipline and routine. And, and sorry, one, one last point which, I, which you made, which kind of really resonated with me is.

तो ये मत सोचिए कि हमको इसी कॉल के बेसिस पे बे आप देख कर दिया तो कर दिया नहीं द पॉइंट इज टेक अ कॉल एंड देन मेक इट राइट एंड स्टैंड विथ योर क्लाइंट एज दैट पर्सन गेट्स इट राइट सो हैव द एबिलिटी टू मनूवर थ्रू लाइफ दैट उसमें आपकी साझेदारी बनेगी दैट्स वेन पीपल विल रिक्नाइज यू एज अ पार्टनर विद एब्सोल्यूटली आशीष And uh, thank you once again for such pulse of wisdom you. and spending your time with us this evening, ladies and gentlemen. What I would request is let's put our hands together wherever we are for Mr. Vidyarthi. for giving us such a, such a fantabulous evening bahar bahar and kriya. what a thank way to so close the FFF conference, which which kind of lasted for over three days. Or always that dessert dinner. And I couldn't agree anymore.